हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन की थर्ड वीडियो में। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन वो समझाती है, इट पावर्स ये बहता है थ्रू एवरी पार्ट प्रत्येक हिस्से से। जहां तक संगीत की बात है वो समझाती है कि ये मेरे शरीर के हर एक हिस्से में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स मीन्स है गुदगुदाना। ये मेरी त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी गुदगुदाता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब वो प्लेज मीन्स बजाना, जब वो xylophone को बजाती है, सेंस मीन्स समझ लेना, महसूस कर लेना, तो वो साउंड आवाज को पासिंग अप द स्टिक्स, जो उसकी डंडियां होती हैं जिसे वो xylophone को बजाती है, तो उन डंडियों से गुजरती हुई आवाज को वो अपनी फिंगर टिप्स मीन्स होता है उंगली की पोर। तो जब भी वो xylophone को बजाती है तो डंडी से गुजरने वाली आवाज को अपनी उंगली के पोरों में भी महसूस कर सकती है। By learning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body। लर्निंग सीखते हुए और ड्रम को सीखते हुए रेजोनेंसेस मीन्स होती है प्रतिध्वनि, फ्लोइंग बहते हुए। और जब वो ड्रम से सीखती है तो वो अपनी शरीर में बहती हुई प्रतिध्वनि को भी महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और वुडन मीन्स होता है लकड़ी का, प्लेटफॉर्म मीन्स स्टैंड समझ लीजिए आप, रिमूव्स मीन्स उतारना। और जब वो लकड़ी के स्टैंड पर अपने जूतों को उतारती है सो दैट, ताकि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, पास थ्रू हर बेयर फीट, बेयर मीन्स नंगे तलवे, तो ताकि वो नंगे पैरों में होते हुए कंपन को अपने टांगों में, अपने पैरों में महसूस कर सके। एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो अपने जूतों को उतारती है ताकि जो नंगे तलवों में हलचल है उसे वो अपने पैरों में भी महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और सरप्राइजिंगली कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलिन ऑडियंस मीन्स श्रोता, अपने श्रोताओं को आनंद देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में प्रेजेंटेड मीन्स दिया जाना। रॉयल फिल हारमोनिक मीन्स होता है संगीत प्रेमी, और ये सोसाइटी का नाम है रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी। और प्रेस्टिजियस मीन्स है सम्मानित, सोलोइस्ट मीन्स है एकल कलाकार, ऑफ द ईयर वर्ष का अवार्ड पुरस्कार। और 1991 में उसे रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी का जो सम्मानित वर्ष का सम्मानित एकल पुरस्कार है उससे पुरस्कृत किया गया था। 1991 में उसे रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी के वर्ष के सम्मानित एकल वादक, एकल कलाकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर परक्यूनिस्ट जो उसके गुरु हैं, और परक्यूनिस्ट वो भी तालवादक हैं, उसके मास्टर जो तालवादक हैं जेम्स ब्लेड, वो ये कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान उससे उसकी सुनने की क्षमता को ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है असाधारण, लेकिन उन्होंने उसे कुछ असाधारण वापस दिया था। वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से जितना भी कोई महसूस कर सकता है वो उसे कहीं गहराई से उस सबको महसूस कर सकती है जो हम सुनते हैं। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और दैट इज वाई, इसीलिए एक्सप्रेस मीन्स प्रकट करना, और इसीलिए वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से प्रकट करती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक मीन्स होता है जिसे काम करने की लत हो। कन्फ्यूज मीन्स स्वीकार करना। एवेलिन ये महसूस करती है कि वो काम करने की लती है, उसे काम करने की आदत है। आई हैड जस्ट गो टू वर्क ओफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मैंने काम करना सीख लिया है। ओफन हार्डर उससे कहीं ज्यादा कठिन देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जितना कि प्राचीन संगीतकार करते हैं, जितना प्राचीन संगीतकार कठिन परिश्रम करते हैं, मैंने उससे भी कठिन परिश्रम करना सीख लिया है। बट द रिवार्ड्स आर इनार्मस, लेकिन इसका जो पुरस्कार है वो असंख्य है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट अलग, और उसकी जो सामान्य कंसर्ट मीन्स होता है संगीत समारोह, उसके जो सामान्य संगीत समारोह होते हैं उससे भी अलग, एवेलिन अब
प्रिजन्स मीन्स जेल और हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। एवेलिन जेल और अस्पताल में भी मुफ्त में संगीत समारोह करती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और युवा संगीतकारों के लिए जो कक्षा देती है उसे गिव्स प्रायोरिटी, वो उसे अधिक महत्व देती है। एंड रिसलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, डीफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए जो बिथोवन फंड के नाम से एक फंड है, उससे एक लड़की है एंड रिसलिन, वो बताती है सी इज द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, की शी मीन्स एवेलिन, की एवेलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा है। एवेलिन बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वे नहीं जा सकते हैं। कौन? बहरे बच्चे। यानी अगर एवेलिन जा सकती है तो हम लोग भी वहां पर जा सकते हैं। जो उपलब्धि एवेलिन हासिल कर सकती है वो हम भी कर सकते हैं। एवेलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अकम्प्लिश मीन्स पूरा कर लेना, ऑलरेडी पहले से ही, और ट्वाइस हर एज उससे दुगनी आयु में, बहुत से लोग उससे दुगनी आयु में जितना कार्य करते हैं एवेलिन ग्लेनी ने उससे कहीं ज्यादा उससे पहले ही पूरा कर लिया है। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा वही वादक समूह, तो वादक समूह के फ्रंट सामने, परक्यूशन तालवादक को, उसने वादक समूह के सामने तालवादक समूह को ला दिया है। एंड डिमोन्स्ट्रेटेड, और ये प्रदर्शित कर दिया है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, मूविंग मीन्स प्रभावित करने देने वाला, कि ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला हो सकता है। उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने तालवादक को ला दिया है और ये साबित कर दिया है कि ये भी प्रभावित करने वाला हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड मीन्स होता है विकलांग। उसने इंस्पिरेशन, प्रेरणा, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग है। पीपल हु लुक टू हर एंड सी, और उन लोगों को जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, यदि वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज गिवन इनार्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, एंड नोट द लिस्ट, और ये कोई कम बात नहीं है कि उसने इनार्मस मीन्स अत्यधिक, प्लेजर मीन्स खुशियां दी है टू मिलियंस, लाखों लोगों को, और ये कोई कम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है कि उसने लगभग लाखों लोगों को खुशियां प्रदान की है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको भी इस लेसन से काफी इंस्पिरेशन मिली होगी। जब एक हैंडीकैप लड़की इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर सकती है, तो भगवान ने आपको बुद्धि प्रदान की है, आपको सारी सामर्थ्य प्रदान किए हैं, जो आपको इस लेसन से, इस लड़की से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए हार्डवर्क की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।